वक्त की बड़ी खबर बिहार के नवादा जिले से आ रही है, जहां की फिर एक नवविवाहिता को दहेज लोभियों ने दहेज की बलि चढ़ा दी। मामला नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के बभनौर गांव की बताई जा रही है। बताया जाता है कि 20 साल की बबीता रामविलास चौहान की पत्नी थी। रामविलास चौहान ने ऑटो खरीदने के लिए 1 लाख रुपये ससुराल वालों से मांग किया था, नहीं देने पर अपनी पत्नी बबीता को गला दबाकर हत्या कर दिया। पुलिस ने मृतका के परिवार के बयान पर मामला दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बराबर पैसे की मांग होता था गाड़ी खरीदने के पर्पस में। दो तीन दिन पहले नहरा में थी, उसके गए ससुर और लाने के लिए लेकर के आए, तो साथ में उनके लड़के के पिताजी भी आए थे यहाँ पहुँचाने के लिए। तो लड़का बोला कि 1 लाख रुपया दो, हम टोटो खरीदेंगे। तो इन्होंने नहीं कुछ जवाब दिए, तसली दे करके चल आए, और नहीं देने के बाद 2 दिन के बाद उसको गला दबा के जान मार। कहाँ का मामला है? मामला यहाँ बभनौर चातर का है। क्या मामला था? मामला था 1 लाख ऑटो का खरीदने का पैसा मांग रहा था, और नहीं देने पर गला दबा कर मार दिया गया। कहाँ? बभनौर चातर।